अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। हमजा अनम्यूट करो बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है ना? नहीं सर, हमने हाइड्रोफाइट्स भी पढ़ लिया था, आज हमने जीरोफाइट्स पढ़ना है। अच्छा आज हमने, अच्छा ओके। ओके बेटा, हम लोग ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे थे और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोफाइट्स को लेकर, ठीक है? अब देखो बेटा, जीरोफाइट्स, कल हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की थी कि जो प्लांट्स हैं हमने इनको तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट के हवाले से। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से अपने वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है वो है जीरोफाइट्स प्लांट्स के ऊपर। ओके बेटे, तो इसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जीरोफाइट्स के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है अच्छे बेटे, तो हम लोग सबसे पहले अब जेरोफाइट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स दरअसल ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जो बेटा आपको जमीन पर मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये लैंड प्लांट्स कहलाते हैं। अब जो लैंड प्लांट्स हैं इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। नंबर वन, कि ये जो लैंड प्लांट्स होते हैं इनको सबसे जो पहली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो क्या है बेटा, ये चूंकि जमीन पर होते हैं ना तो इन्हें हमेशा वाटर शॉर्टेज रहेगी, ठीक है ना। दे ऑलवेज फेस वाटर शॉर्टेज, इन्हें वाटर की हमेशा कमी रहती है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या अडॉप्शन अडॉप्ट करेंगे, इनमें क्या ऐसे वो चीजें हैं जिससे ये अपने पानी की कमी को पूरा कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि बेटा ये स्मॉल लीव्स रखेंगे विथ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। एक तो स्मॉल लीव्स होंगे और नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे। दूसरी बात जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो ये है बेटा कि इनका जो रूट सिस्टम है ना रूट सिस्टम ये बेटा बहुत ज्यादा डेवलप होता है, तीसरी बात इनके ऊपर ना आपको एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर मिल जाएगी। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बेटा इन प्लांट्स के अंदर मिलेंगी, तो मैं यहाँ पे आपको इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा, ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स के अंदर खासियत ये है कि ये जो प्लांट्स हैं एक तो लैंड प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। लैंड प्लांट्स का मतलब ये है कि ये आपको जमीन के ऊपर मिलेंगे। अब जमीन के ऊपर जो है जारी बात है कि इनके ऊपर जो पानी की शॉर्टेज है ना ये इनको बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जमीन के अंदर जो वाटर है वो मैक्सिमम सॉइल भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा होता। एज कम्पेयर टू, अगर हम लोग बात करें एज कम्पेयर टू हाइड्रोफाइट्स, तो हाइड्रोफाइट्स कल आपने पढ़ा था कि ये बेटा टोटली सबमर्ज हुए होते हैं इन अ वाटर, तो उनके रूट सिस्टम स्टेम्स ये जो पानी में डिप हुए होते हैं, इसलिए उन्हें पानी की शॉर्टेज नहीं होती, और वो अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करने के लिए जो अडॉप्शन लेके आते हैं वो क्या लेके आते हैं कि उनके लीव्स भरे होते हैं, स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ऊपर वाली साइड पे होते हैं, तो इसलिए इन प्लांट्स के कंपैरेटिवली उन्हें पानी की शॉर्टेज नहीं होती। लेकिन ये जो प्लांट्स है ना बेटा, इन प्लांट्स को ज्यादातर पानी की शॉर्टेज फेस करना पड़ती है। अब इस पर्पस के लिए पहली बात कि ये जो प्लांट्स है ना इनके लीव्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जितने लीव्स छोटे होंगे उतने नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप लीव का साइज छोटा कर देते हैं, सरफेस एरिया जब कम हो जाता है, तो बेटा याद रखिएगा लीव साइज कम होने की वजह से जो स्टोमेटा है वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इफ स्मॉल लीव्स देन दे हैव अ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होंगे।
ताकि उसकी वजह ये है क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे बेटा ये उतना ही पानी को ट्रांसपेरेशन से लूज कम करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, इनके जो स्टोमेटा हैं वो आपको नीचे वाली साइड पर यानी कि लोअर एपिडर्मिस वाली साइड पर ज्यादा मिलेंगे, ओके बेटा। दे हैव अ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा एज कम्पेयर टू हाइड्रोफाइट्स, और उसमें से भी ये ज्यादातर किस साइड पे मिलेंगे आपको, लोअर एपिडर्मिस वाली साइड पे मिलेंगे, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस का मतलब ये है कि नीचे वाली साइड पे आपको मिलेंगे, ओके बेटा जी। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है। अब बहुत ज्यादा डेवलप होने का मतलब ये है कि ये बेटा लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, और इसका जो रूट सिस्टम है ये बहुत ज्यादा डेवलप होगा, और इसके डेवलप होने का मतलब ये है कि बेटा इसका रूट सिस्टम जो है ना वो जमीन के अंदर बहुत डीपली गया होता है, ठीक है जी। ये मेरे पास लेट्स सपोज एक प्लांट है, तो इसका जो रूट सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा डीपली मूव कर रहा होता है, ठीक है, और ये साइडों पर और बहुत गहराई में गया होता है। इसकी दो रीजन है, एक तो प्लांट को वहां पर स्टेबल कर सके, क्योंकि जब प्लांट जो वहां पर स्टेबल होगा वो अपने रूट सिस्टम के बेस पर होगा, जितने इसके रूट सिस्टम जो है वो फैलेगा उतना प्लांट वो वहां पर मजबूत होता चला जाता है, तो एक वजह तो ये है। दूसरी रीजन क्या है कि जब इसका रूट सिस्टम बहुत ज्यादा नीचे फैलेगा तो वो प्लांट के लिए मैक्सिमम वाटर और सॉल्यूट्स को एब्जॉर्ब कर सकेगा, इसलिए ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ट्रीज हैं, इनका रूट सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप होता है ताकि ये मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली इन प्लांट्स का रूट सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप होगा। अब अगर हम बात करें तो बेटा इन प्लांट्स के ऊपर ना हमें एक लेयर भी मिलती है जो कि वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय वैक्सी क्यूटिकल लेयर, तो याद रखिएगा बेटा वैक्सी क्यूटिकल लेयर जो है ना ये एक लेयर होगी जो कि ट्रांसपिरेशन को रोकेगी। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि क्यूटिकल लेयर जो है इज प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ये लीफ की अपर एपिडर्मिस में मौजूद होती है। तो देखिए बेटा जो अपर एपिडर्मिस है ना इसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल का मकसद ये होता है ताकि पानी जो है वो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन से रिमूव ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो प्लांट्स हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक कैक्टस प्लांट है, ठीक है ना, जो अक्सर आपने देखा होगा ये आपको डेजर्ट्स वगैरह में मिल जाते हैं लाइक दिस। अब जो बेटा ये प्लांट्स हैं ये आपको इस तरह से सहराओं में मिलेंगे, ठीक है, जो आप अपनी बुक के ऊपर पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये पानी कहाँ से पूरा करते हैं, क्योंकि ये तो टोटली ऐसे एरिया में है जहाँ इनको पानी मिलना मुयसर नहीं होता, बारिशें भी कम होती हैं, डेजर्ट्स में आपको ज्यादा मिलते हैं, तो ये अपनी पानी की कमी को पूरा कैसे करेंगे। तो अगर मैं इसका इतना सा हिस्सा बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है, तो बेटा इनके ऊपर ना आपको एक लेयर मिलेगी। ये जो लेयर होती है ना ये बेटा एक क्यूटिकल की लेयर होती है, यानी कि इसके ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा लेयर बना रहा हूँ, दिस इज अ क्यूटिकल लेयर, ये इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। अगर मैं इस हिस्से को जरा बड़ा करके बनाऊँ ना, जूम करके बनाऊँ, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको कि ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इसका अपर पार्ट है और ये इसके ऊपर जो है ना वो बेटा क्यूटिकल की लेयर है, ओके बेटा ये क्यूटिकल की लेयर है। अब होता ये है कि जब प्लांट यहाँ से पानी को वेपर्स की फॉर्म में रिमूव करेगा तो बेटा पानी जो है वो यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन जो वैक्सी क्यूटिकल की लेयर है ना ये इन वेपर्स को यहीं पर रोक लेगी, इन्हें बाहर नहीं जाने देगी, यानी कि इन्हें वेपर्स को यहीं पर रैप कर लेगी, जिससे ये वेपर्स यहाँ पे कंडेंस होंगे एंड इट बिकम अ ड्रॉप, और ड्रॉप बनकर ये फिर से नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह यही ड्रॉप नीचे चला जाता है पानी का और ये फिर वही प्लांट उसी पानी को फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये अपना मैक्सिमम पानी को रिमूव होने नहीं देते। तो इस वजह से इन पौधों को पानी की जो कमी है वो इस तरह से ही अपनी पूरी कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो डिस्कस करेंगे, एंड इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज सेक्यूलेंट ऑर्गन्स, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्यूलेंट ऑर्गन्स। अब सेक्यूलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, याद रखिएगा बेटा कि ये जो जेरोफाइट्स होते हैं ना, इन जेरोफाइट्स के अंदर ना स्पेशल सेल्स होते हैं टिश्यूज होते हैं जो आपने पढ़े भी हुए हैं, दैट इज पैरेन्काइमा टिश्यूज। ये टर्म आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यूज की। तो बेटा ये जो सेक्यूलेंट ऑर्गन्स है ना ये दरअसल ये पैरेन्काइमा टिश्यूज को कहेंगे जो बेटा इनके स्टेम्स और लीव्स के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ना इनकी स्टेम्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है। और ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज है ना ये बेटा इस प्लांट के लिए क्या स्टोर करेंगे, इट हैव एबिलिटी टू स्टोर
ये प्लांट के लिए जो है ना वो स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, यानी ये प्लांट के लिए एक्स्ट्रा वाटर स्टोर करेंगे, और इसके अलावा ये प्लांट के लिए जो है ना वो फूड भी स्टोर करेंगे, ठीक है बेटे, ये प्लांट के लिए फूड भी स्टोर करते हैं, तो प्लांट के जब यानी कि जो स्टेम्स के में जो पेरेंटाइमा टिश्यूज हैं, जब वो वो तो फूड और जो वाटर है जब इनके लिए अच्छी तरह स्टोर कर लेते हैं, तो बेटा इससे बेनिफिट ये होता है कि इनके जो स्टेम्स होती है ना वो बहुत ज्यादा वेट एंड जूसी हो जाती है, ठीक है, दे बिकम वेरी वेट एंड जूसी। वेट एंड जूसी मतलब कि इनमें ना वाटर मिनरल्स बहुत ज्यादा स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टेम जो है ना वो बहुत ज्यादा वेट हो जाती है और जूसी हो जाती है, जिसकी वजह से हम इन्हें सक्यूलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। अब आपको मैं इसके एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ, एलोवेरा, अपनी एलोवेरा को अगर कभी काटा हो तो आपने देखा होगा कि जैसे आप एलोवेरा के लीव्स को काटते हैं, बेसिकली जो उसके लीव्स हैं वही उसके स्टेम्स कंसीडर होते हैं, ठीक है, तो वो बेटा जो उसके लीव्स हैं उनको जब आप काटते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा एक जेली लाइक मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है। उसके रीजन क्या होते हैं? उसके रीजन ये है इनके पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको ये पिक्चर में यहाँ पे शेयर कर सकूँ। जी बच्चे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये एक मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की है। अब आप देखें कि ये जो है ना ये वो प्लांट है जो लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे आप इनके स्टेम या लीव्स को या इनको आप काटेंगे ना तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा जो है ना एक लिक्विड जेली लाइक मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है, और ये बेटा दरअसल वो वाटर है, वो मटेरियल है जो इन्होंने अपने इसके अंदर स्टोर किया हुआ था, ठीक है, और इस पूरे पोर्शन को हम सेक्यूलेंट ऑर्गन्स का नाम देंगे, यानी ये सेक्यूलेंट ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है बेटे, तो इस तरह आपको ढेर सारे इस तरह से सेक्यूलेंट ऑर्गन्स मिल जाते हैं, जो कि बेटा ये अपने वाटर के अंदर यानी कि अपने पेरेंटाइमा टिश्यूज के अंदर जो है ना अपने वाटर और मिनरल्स इन चीजों को स्टोर कर रहे होते हैं, ओके बेटे, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी सेक्यूलेंट ऑर्गन्स की।